Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतगी और सबसे पहले मैं आपके साथ एक प्रोवर्ब और एक मैसेज शेयर करती हूँ। दुनिया के सबसे मूर्ख मतदाता भारत में रहते हैं, वो अवैध घुसपैठियों की पैरवी करने वाले नेताओं को वोट देते हैं, यूरोपियन टाइम्स। इसका मतलब आप समझ गए कि इंडिया में इंडिया के लोग इतने बेवकूफ़ हैं, भारतीय लोग इतने बेवकूफ़ हैं और इतनी जल्दी ब्रेन वॉश हो जाते हैं कि वो ऐसे नेताओं को पावर में लाते हैं, ऐसे नेताओं को वोट करते हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स को इंडिया के अंदर घुसाते हैं। जबकि ये इलीगल इमिग्रेंट्स, अगर हम बात कर रहे हैं रोहिंग्या मुस्लिम्स की, तो उनके पास ऑप्शन है इंडिया के आजू बाजू के पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम कंट्रीज में जाने की, मगर भारत के नेता ऐसे इलीगल रोहिंग्याना मुस्लिम्स को भारत के अंदर जानबूझ के घुसाते हैं और हमारे देश के वासी ऐसे लीडर्स को वोट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ ही नहीं पड़ता कि वो ऐसे अनएथिकल लीडर्स को वोट कर रहे हैं जो ऑब्वियसली आने वाले पीढ़ियों में उनको ही खत्म कर देंगे इन द ग्रीड फॉर पावर, इन द ग्रीड फॉर देयर कुर्सी। और ऑब्वियसली ऐसे लीडर्स बंगाल में है जो ऑब्वियसली रोहिंग्याना मुस्लिम्स को घुसाते हैं वाया बांग्लादेश, जबकि उनके पास ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम कंट्रीज में जाने की और ऑब्वियसली बांग्लादेश जैसे मुस्लिम कंट्री में भी रहने की, मगर ये रोहिंग्याना मुस्लिम्स को, घुसा पेटियों को इंडिया में घुसाया जाता है और इंडिया के मतदार वोटर्स ऐसे लीडर्स को वोट करते हैं जो ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स को इंडिया में घुसाते हैं। ये बताता है कि हमारे देश में अभी भी कितनी इलिटरेसी है और ब्रेन वॉश करने की क्षमता रखते हैं ऐसे लीडर्स जो 70 सालों से हमको रूल करते हुए आ रहे हैं। अब जब बात करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स की, तो ऑब्वियसली लोग कहेंगे कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल भी ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स को इंडिया में जगह देता है, शेल्टर देता है या सिटीजनशिप देता है, मगर ये लोग भूल जाते हैं कि भारतवर्ष हिंदुस्तान को अंग्रेज जब रूल कर रहे थे उसके पहले मुगल रूल कर रहे थे। मुगलों का प्लेसेस ऑफ वर्शिप मिडिल ईस्ट में है, हज के लिए हम सऊदी अरेबिया जाते हैं, तो ये मुगल ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट से आए थे हिंदुस्तान की तरफ, हिंदुस्तान पे कब्जा जमाने, ऑब्वियसली हिंदुओं को कन्वर्ट करने और अपना रिलीजन फैलाने के लिए। वो चाहते थे कि इस्लाम सब लोग कबूल करें वाया फोर्स्ड कन्वर्जन और वॉट एवर टैक्टिक दे कुड डू। सो ऑब्वियसली इस्लाम इज द रिलीजन जो ओरिजिनेट हुआ है मिडिल ईस्ट में। सो ये लोग जो ऑब्वियसली कहते हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो स्पेसिफिकली हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी और ईसाई के लिए है, क्योंकि इन लोगों को सिटीजनशिप दी जाए भारत के अंदर, वो जायज है क्योंकि ये लोगों का लैंड था हिंदुस्तान, ये लोगों क्या ओरिजिन हुआ है हिंदुस्तान के अंदर। और ये बात के बारे में मैं आपके साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि हिंदुओं की प्लेस ऑफ वर्शिप भारत में है, नेपाल में है, म्यांमार में है, बुद्धिस्ट की प्लेस ऑफ वर्शिप अफगानिस्तान में थी और हम सबको पता है कि तालिबान गवर्नमेंट ने बुद्धाज ऑफ बामिया उड़ा दिया बाय एक्सप्लोजन बाय बम एंड दैट वॉज इन रिटेलिएशन टू शो द US government that how they could control Afghanistan and ultimately they did make Afghanistan Islamic Republic of Afghanistan. तो जो हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई है, इतने बड़े विशाल रीजन के, इनके पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए, क्योंकि हमारे इस बेल्ट ऑफ साउथ एशिया में पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है, अफगानिस्तान को मुस्लिम कंट्री बना दिया है और सिर्फ इंडिया ही एक बड़ा सेक्युलर कंट्री है जो इन लोगों को शरण दे सकता है, मगर रोहिंग्याना मुस्लिम्स के पास बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज है जाने के लिए, अगर उनको म्यांमार से निकाला जा रहा है। और म्यांमार से उनको क्यों निकाला जा रहा है, उसके पीछे भी ऑब्वियसली एक सोच है, जो सोच है उसके बारे में मैं कभी आपसे बाद में डिस्कस करूंगी, बट ये मैं आपके साथ इसलिए कह रही हूं क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश था, हिंदू से ऑब्वियसली सिख, बुद्धिस्ट, जैन ये सब
कन्वर्ट होके अलग अलग वेश लेकर आए हैं एज रिलीजन्स, मगर इस्लाम कभी भी हिंदुस्तान का रिलीजन नहीं था, हिंदुस्तान का धर्म नहीं था। अगर इस्लाम हिंदुस्तान का धर्म होता तो ऑब्वियसली मुगल्स हिंदुस्तान पे इन्वेजन क्यों करते? मुगल्स ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट से अपने घोड़े भगा भगा कर हिंदुस्तान क्यों आते? इट इज इलॉजिकल। सो ऑब्वियसली सिटीजन अमेंडमेंट बिल इज वैलिड, मगर हमारे देश के पॉलिटिशियंस ने सिटीजन अमेंडमेंट बिल राज्यसभा में पास नहीं किया। बट ऑब्वियसली ये सेम लीडर्स रोहिंग्या मुस्लिम्स को घुसाते हैं इंडिया के अंदर वाया बंगाल, और हमारे देश के मतदाता, हमारे भारतीय मतदाता ऐसे लीडर्स को वोट करते हैं जो रोहिंग्या मुस्लिम्स के लिए मरे जा रहे हैं और नकली सहानुभूति दिखा रहे हैं, मगर वो उस बिल को पास नहीं करते जो बिल जायज है, क्योंकि ये देश हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, ईसाई का था इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि इनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप हिंदुस्तान में ओरिजिनेट हुए थे। ईसाई नहीं, नॉट ईसाई, ईसाई का प्लेस ऑफ वर्शिप इज ऑल्सो मिडल ईस्ट, बट हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख्स, जैन्स, पारसीज। I'm talking about all this because Zoroastrianism का origin भी अफगानिस्तान में हुआ था, जब मैंने अफगानिस्तान का इतिहास आपके साथ डिस्कस किया था। इसके अलावा आते हैं बात कश्मीर के ऊपर। कश्मीर के ऊपर बात हम इसलिए कर रहे हैं और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि कश्मीर एक हिंदू देश था, क्योंकि कश्मीर को सन 850 से लेकर 1948 तक सिर्फ हिंदू रूलर्स ने रूल किया था, बिकॉज ये हिंदुस्तान था। बाद में ऑब्वियसली 1947 में पाकिस्तान का निर्माण हुआ, मगर पाकिस्तान का निर्माण होने से पहले पाकिस्तान भी तो हिंदुस्तान था। तो कोई कैसे कह सकता है आजकल के पॉलिटिशियन कमल हसन जैसे कि आप लोगों से पूछिए कि उनको किसके साथ जुड़ना है, हिंदुस्तान भारत के साथ कि पाकिस्तान के साथ? लोग कौन? कश्मीरी लोग। बट कश्मीर के अंदर अभी कश्मीरी पंडितों को तो आपने 1990 में निकाल दिया, जब उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट थी, उसके पहले उनके फादर फारूक अब्दुल्ला की गवर्नमेंट रही है 3 बार तक। तो ये फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी तो अभी के नेता बने, मगर 70 साल पहले सन 850 से लेके 1948 तक हिंदू रूलर्स रूल करते हुए आ रहे थे कश्मीर को। तो कश्मीर ऑब्वियसली एक हिंदू लैंड था। ये पूरा रीजन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, बर्मा, नेपाल, ये इतना विशाल हिंदुस्तान था जिसको अंग्रेजों से पहले मुगलों ने इन्वेड किया था। तो आज की तारीख में पाकिस्तान कैसे बोल सकता है कि कश्मीर उनका पार्ट है, कश्मीर के ऊपर मुसलमानों का हक है? मुसलमानों का हक तो भैया हिंदुस्तान में कोई भी जमीन पे नहीं था, क्योंकि मुसलमानों का ओरिजिन, इस्लाम का ओरिजिन मिडिल ईस्ट में हुआ है। हम हज करने सऊदी अरेबिया जाते हैं, हज हम यहां पे हिंदुस्तान में नहीं करते। तो आप जब सऊदी अरेबिया जाते हैं, जब आपका धर्म का निर्माण ओरिजिन मिडिल ईस्ट में हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कश्मीर हिंदुओं का देश, हिंदुओं का प्रदेश नहीं है? इनफैक्ट वो हिंदुओं का प्रदेश था। और ये दिखाता है कि 1948 से कैसे फारूक अब्दुल्ला जैसे सीएम 3 बार चुने गए, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला 1 बार चुने गए एज सीएम ऑफ कश्मीर, और इन लोगों ने कैसे धीरे धीरे करके कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर से निकाल दिया। 1990 का जेनोसाइड हम सबको पता है। और आज की तारीख में कमल हसन जैसे लोग बोलते हैं कि आप रेफरेंडम करिए और कश्मीरी लोगों से पूछिए कि उनको कहां जाना है। कश्मीरी लोग, ये कश्मीरी लोग है ही नहीं, ये तो मुसलमान भर दिए गए हैं फ्रॉम पाकिस्तान बाय द फ्रॉड इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 370। बट ये बात मुझे आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी थी, क्योंकि ये मैं भी समझ रही हूँ, मैं भी इंडिया के पॉलिटिक्स और इंडिया के इतिहास को समझने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि कश्मीर हिंदुओं का प्रदेश था, क्योंकि सन 850 से लेकर 1948 तक हिंदू राजाओं ने कश्मीर पे राज किया। ऑब्वियसली उसके पहले हम सबको पता है अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों के पहले मुगल आए थे, और मुगल ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट से हिंदुस्तान की तरफ आए टू कन्वर्ट हिंदूज एंड एज मेनी पीपल बिलोंगिंग टू अदर रिलीजन इनटू इस्लाम, टू इनटू मुस्लिम्स, बिकॉज दैट वाज देयर स्ट्रेटजी टू प्रमोट एंड स्प्रेड देयर रिलीजन। हिंदूज कभी हिंदुस्तान से बाहर नहीं गए अपने रिलीजन को स्प्रेड करने, मगर इस्लाम फॉलो करने वाले मुसलमान ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट से आए, आगे बढ़े और जितना हो सके अपने रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए लोगों को कन्वर्ट किया, इधर बाय फोर्स्ड कन्वर्जन और व्हाटएवर टैक्टिक्स दे कुड यूज।
इसके अलावा क्या हुआ? इसके अलावा ऑब्वियसली हमारे देश के में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसके बारे में हम जानते हैं, जो ऑब्वियसली रोहिंग्याना मुस्लिम्स के लिए बहुत ड्रामा करती हैं। शायद वो अभी पाकिस्तानी मुस्लिम्स के लिए भी ड्रामा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का पानी रोक देने का फैसला किया है हमारी प्रेजेंट एनडीए सरकार ने, बिकॉज ये एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 44 सीआरपीएफ जवानों की डेथ के ऊपर कुछ ड्रामा नहीं किया, बिकॉज वो समझते हैं कि वो ह्यूमैनिटेरियन नहीं कॉज था, मगर ऑब्वियसली रोहिंग्याना मुस्लिम्स, पाकिस्तानी मुस्लिम्स ह्यूमैनिटेरियन कॉज है। उन्होंने ऑब्वियसली सिटीजन अमेंडमेंट बिल के ऊपर भी कभी बातचीत नहीं करी। एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो सेम ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जिसने नसीरुद्दीन को हायर किया था टू टॉक बैड अबाउट द प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट। और लास्ट पॉइंट बिफोर गोइंग, ऑब्वियसली सर्जिकल स्ट्राइक एक एपिसोड था हमारे इंडिया की हिस्ट्री में, जो ऑब्वियसली मोदी सरकार के टाइम पे हुआ था, जहां पे इंडियन आर्मी ने एलओसी क्रॉस करके पहली बार पाकिस्तान के लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय किया था। एक टाइम था जब कांग्रेस सर्जिकल स्ट्राइक को क्वेश्चन करता था, और एक टाइम था कल जब कांग्रेस ने वही सर्जिकल स्ट्राइक को हेड करने वाले जनरल हुड्डा को कहा कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर दिया है। वो दूसरी बात है कि आज वही जनरल हुड्डा ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं किया, बट उनको हेल्प कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ अ नेशनल टास्क फोर्स, समथिंग दैट इज हेल्पिंग देम विद। बट द बिगेस्ट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट द सोल्ड मीडिया लाइक बरखा द टाइप्स एंड द गुजरात समाचार टाइप्स एंड द कांग्रेस पार्टी, द पॉलिटिकल पार्टी, जो समझती थी कि सर्जिकल स्ट्राइक्स कभी हुआ ही नहीं है, वही लोग आज सर्जिकल स्ट्राइक के गुण गा रहे हैं एंड आर राइटिंग प्रोफाइल्स लाइक सोल्जर्स सोल्जर बाय द वेरी पद्मश्री बरखा दत्त इन प्रेज ऑफ जनरल हुड्डा, जिन्होंने ऑब्वियसली सर्जिकल स्ट्राइक हेड किया था। सो दिस शोज दैट द होल ग्रुप इज सो मैड and has got some kind of memory problem, कि कुछ साल पहले तक वो एक चीज के होने पर question कर रहे थे और आज वो चीज के बंदे को उठाकर प्रमोट कर रहे हैं कि वो बंदे ने हमारी पार्टी ज्वाइन कर दिया, सी ये हमारी विक्ट्री है। सो दिस इज देयर थॉट प्रोसेस एंड दिस इज कांग्रेस। बट ऑब्वियसली टू ऑल दोज पॉलिटिशियंस जो कहते हैं कि कश्मीर पे हिंदुओं का हक नहीं है, वो गलत है। कश्मीर was always a Hindu land and कश्मीर के ऊपर हर भारतीय का हक होना चाहिए। अभी मैं ये नहीं कह रही कि हिंदुओं का हक होना चाहिए, बट कश्मीर के ऊपर हर भारतीय का हक होना चाहिए, बिकॉज भारत इज अ सेक्युलर कंट्री नाउ, मगर कश्मीर हर दम एक हिंदू लैंड था जहां पे पॉलिटिक्स की गई है। कश्मीर को कभी भी पाकिस्तान डिमांड नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री ही क्या है, पाकिस्तान का निर्माण हुआ था 1947 में, और कश्मीर ऑब्वियसली पहले से है पाकिस्तान, 1947 से इंडिया का पार्ट था। सो दिस ऑल वॉज अ पार्ट, दिस ऑल कंट्रीज वर अ पार्ट ऑफ हिंदुस्तान। नमस्कार। We are heroes tonight, we will fly above the sky.